हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम फंगी के पार्ट टू के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंगी के बहुत सारे क्लासेस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने किंगडम फंगी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को खत्म कर लिया है, और जिन लोगों को नहीं पता कि किंगडम फंगी कौन से चैप्टर के हैं, तो मैं बता दूं, ये क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, टॉपिक नंबर 3, जिसका कि किंगडम फंगी है। इससे पहले हम लोगों ने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किए गए, ये सारी चीजें को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं फैकोमेसिटीज के बारे में। मेंबर ऑफ फैकोमेसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस वेयर प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। मेंबर जो होते हैं फैकोमेसिटीज के, वो पाए जाते हैं एक्वेटिक यानी कि जलीय आवास में, एंड ऑन डिकेइंग वुड्स और सड़े हुए लकड़ी के ऊपर, इन मॉइस्ट नम या नमी जगह पे, और एस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के भी तरह रहते हैं प्लांट्स के ऊपर। ऑब्लिगेट पैरासाइट उस तरह के पैरासाइट को कहते हैं जो कि आश्रित रहते हैं होस्ट के ऊपर उसके सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ पैरासाइट दैट डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। देखिए, अब द माइसिलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। देखिए, माइसिलियम जो होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं और कोइनोसाइटिक होते हैं, यानी कि माइसिलियम यानी कि हाइफी जो होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट उसको कहते हैं अगर सेल वाल जो होते हैं वो अब्सेंस रहते हैं सेल में, और उसका न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं यानी फैलते हैं हाइफे के द्वारा, उसको एसेप्टेट कहते हैं। तो माइसिलियम जो होते हैं इसका यानी हाइफे जो होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं और कोइनोसाइटिक होते हैं। कोइनोसाइटिक क्या होता है? कोइनोसाइटिक जो होते हैं वो रेफर किए जाते हैं एक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म के एक ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें कि मल्टीपल न्यूक्लियाई जो हो वो एक कंटिन्यूस प्रोटोप्लाज्मिक मास में हो और वो इंक्लोज किए गए हो मेम्ब्रेन या सेल वाल से। अब आगे देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स मोटाइल और बाय एप्लेनो स्पोर्स नॉन मोटाइल। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होते हैं जू स्पोर्स से अगर वो मोटाइल हो और एप्लेनो स्पोर्स से अगर वो नॉन मोटाइल हो। दिस स्पोर्स आर इंडोगेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये स्पोर्स जो होते हैं वो इंडोगेनसली यानी जिसमें कि एक इंटरनल ऑर्गेन हो, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये उत्पन्न करते हैं, ये उत्पन्न होते हैं स्पोरेंजियम में। जायगो स्पोर्स आर फॉर्म बाय फिजन ऑफ टू गैमेट्स। जायगो स्पोर्स जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं फिजन होने के बाद दो गैमेट्स का। दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ये गैमेट्स जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं आकृति में, जैसे कि आइसोगेमस, और डिसिमिलर, और अगर डिसिमिलर होते हैं इनके आकृति में तो उनको एनाइसोगेमस कहते हैं या ओगेमस कहते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकोर। कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो है जैसे कि म्यूकोर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मेंशन कर लिया, राइजोपस जिसको कि ब्रेड मोल्ड के भी नाम से जाना जाता है, हम लोगों ने मेंशन कर लिया इसको पहले ही, एंड अल्ब्यूगो, और अल्ब्यूगो जो कि पैरासाइटिक फंगी है जो कि मस्टर्ड के ऊपर होते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में, कॉमनली नोन एज सेक फंगी। एस्कोमाइसिटीज जो कि जाने जाते हैं सेक फंगी के नाम से। द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट सैक्रोमाइसिस। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उदाहरण के लिए ईस्ट जिसको कि सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं, या मल्टी सेलुलर, और अगर ये मल्टी सेलुलर है तो उनका उदाहरण पेनिसिलियम है। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और क्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग। देखिए, ये जो होते हैं या ये तो सेप्रोफाइटिक होते हैं, या तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, या फिर ये कोप्रोफाइलस होते हैं। कोप्रोफाइलस वैसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं डंग के ऊपर। माइसिलियम, इनके जो माइसिलियम जो होते हैं वो ब्रांच्ड रहते हैं। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सेप्टेट माइसिलियम जो होते हैं वो ब्रांच्ड रहते हैं और सेप्टेट रहते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोगेनसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोरेस। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, वो कोनिडिया यानी कि हाइफी होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं एक्सोगेनसली यानी कि जिसमें कि बाहरी हैविंग एंड एक्सटर्नल ऑर्गेन, जिसमें कि बाहरी के बाहरी का ऑर्गेन हो वो प्रोड्यूस होते हैं बाहरी के ऑर्गेन में ऑन द स्पेशल माइसिलियम, एक स्पेशल माइसिलियम के ऊपर, एक स्पेशल हाइफी के ऊपर जिसको कि कोनिडियोफोरेस कहते हैं, इसको की कोनिडियो फोरेस कहते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। कोनिडिया जर्मिनेशन के बाद प्रोड्यूस करते हैं माइसिलियम को। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्को स्पोरेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली। और इनका सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं जिसको कि एस्को स्पोर्स कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न होते हैं अंदरूनी ऑर्गेन में। इन सेक लाइक एस्की, सेक लाइक एस्की के अंदरूनी ऑर्गेन में, जैसे कि सिंगुलर एस्कस जिसका कि सिंगुलर हम लोग एस्कस कहते हैं। दिस एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्को कार्प्स। ये एस्की जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं यानी कि वो संगठित किए हुए रहते हैं इन डिफरेंट तरह टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्को कार्प्स। बहुत ही प्रकार के, अलग अलग प्रकार के फ्रूटिंग बॉडीज के साथ जिसको कि एस्को कार्प्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि एस्परगिलस है, कालविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा जो ऐसे फंगस होते हैं जो कि उपयोग में लाए जाते हैं बहुत ही ज्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए। मेनी नंबर्स लाइक मोरेल्स एंड बफल्स आर एडाइवल एंड आर कंसिडर्ड
डायलिसिस, बहुत सारे मेंबर्स इसके फंगी के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं जैसे कि मोरेल्स और बफल्स, ये सभी खाने योग्य होते हैं, खाद्य योग्य होते हैं, और ये व्यंजनों में परोसे जाते हैं। बेसिडोमाइसिटीज के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ओनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफूवल्स। जो सामान्य जो कि इसके जाने हुए फॉर्म्स हैं बेसिडोमाइसिटीज के, वो है मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफूवल्स। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइटी पैरासाइट्स एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। ये ग्रो करते हैं सॉइल में ऑन लॉग्स, लॉग्स के ऊपर एंड ट्री स्टम्स और ट्री स्टम्स के भी ऊपर एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज और लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर ऐसे पैरासाइट पैरासाइट्स के तरह, जिसके उदाहरण के लिए रस्ट एंड स्मट्स। द माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। इसके जो हाइफे होते हैं ये ब्रांच रहते हैं और ये सेप्टेट रहते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो मुख्यतः नहीं पाए जाते हैं, सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होते हैं, जो कि सामान्य बात है। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। इसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और जीनोटाइप्स। लेकिन सेक्स और ये लेकिन प्लाज्मोगेमी जो होते हैं बुलाते हैं फिजन को दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स का अलग अलग स्ट्रेंस या जीनोटाइप्स के जो होते हैं उसको। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं यानी कि परिणाम स्वरूप जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डायकैरियोटिक होते हैं, जो कि अल्टीमेटली अंत तक देते हैं बेसिडियम को, गिव राइज टू बेसिडियम, वो बेसिडियम को पैदा करते हैं। क्रायोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर्स। क्रायोगेमी और मियोसिस जो होते हैं वो बेसिडियम में होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं चार बेसिडियोस्पोर्स को। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोगेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोगेनसली बेसिडियम के बाहरी ऑर्गन पे ये प्रोड्यूस करते हैं पुलरल बेसिडिया, जिसका कि पुलरल बेसिडिया होता है। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो काप्स। बेसिडिया जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसको कि बेसिडियो काप्स कहते हैं। सम कॉमन मेंबर्स ऑफ एग्रिस्कस मशरूम स्मट एंड प्यूकिनिया फंगस। देखो कुछ कॉमन मेंबर्स जो हैं किक्स के बेसिडियोमाइसिटीज के वो हैं एग्रिस्कस, उस्टिलेगो, प्यूकिनिया, एग्रिस्कस जिसको कि मशरूम कहते हैं, उस्टिलेगो जिसको कि स्मट कहते हैं, और प्यूकिनिया जो कि रस्ट फंगस कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में। कॉमनली नॉन एस इम्परफेक्ट फंगी। ये जो होते हैं वो मुख्यतः जाने जाते हैं, सामान्यतः जाने जाते हैं इम्परफेक्ट फंगी के नाम से। ये क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं तो आप लोग इसको प्लीज हाईलाइटर से मार्क करें। बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगी आर नॉन। क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज जो होते हैं फंगी के वो जाने जाते हैं। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंगी आर डिस्कवर्ड दे वेर मूव्ड इनटू क्लासेस दैट दे राइटली बिलोंग टू। जब इसमें सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कवर कर लिए जाएंगे तब ये मूव किए जाएंगे दूसरे क्लासेस में जिसमें कि ये बिलोंग करते हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। ये भी पॉसिबल है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक ही नाम दिया जा सकता है एंड प्लेस अंडर ड्यूट्रोमाइसिटीज, और इसको रखा जा सकता है ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर। एंड द सेक्सुअल और अगर इसमें सेक्सुअल स्टेज जो कि दूसरे में हो जाए तो इसको प्लेस्ड किए जा सकते हैं दूसरे क्लासेस में। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वेर एस्टेब्लिश, जब लिंकेजेस एस्टेब्लिश हो जाएंगे द फंगी वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज। फंगी जो है उसके बाद वो करेक्टली सही तरीके से पहचाने जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ से मूव किए जा सकते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज से। वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज वेर डिस्कवर्ड दे वेर ऑफ्टन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। देखिए एक बार जब परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज इस मेंबर के यानी कि ड्यूट्रोमाइसिटीज के एक बार परफेक्ट मेंबर खोज लिए जाए सेक्सुअल स्टेजेस इसके होते हैं या नहीं तब इसको मूव किए जाएंगे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में। द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर्स नॉन एस्कोनिडिया। ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी पैदा लेते हैं सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, जिसको कि कोनिडिया कहते हैं। द माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। माइसिलियम जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं इसके, यानी हाइफे जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं और ब्रांच रहते हैं। आप लोग तो ब्रांच देखे ही होंगे ट्री का, वैसे ही इसके हाइफे रहते हैं। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो ये कुछ मेंबर जो होते हैं वो उसमें सेप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, जबकि एक बड़ी संख्या में इसमें जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग के लिए। Which help decomposer of litter and help in mineral cycling, जो कि help करते हैं mineral cycling के लिए। Some examples are Alternaria, Coleotricum and Trichoderma। कुछ examples जो कुछ उदाहरण जो हैं इसके, जैसे कि Alternaria, Coleotricum and Trichoderma। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटे के बारे में। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। किंगडम प्लांटे जो होते हैं ये इसमें इंक्लूड्स हैं, यानी कि इसमें रखे गए हैं सारे यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को, जिसको कि कहते हैं प्लांट्स, कॉमनली कहलाते हैं प्लांट्स। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। कुछ मेंबर जो होते हैं वो पार्शियली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि आधे आधा हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ब्लैडरवॉर्ट्स एंड वेनस प्लैटरप्स आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
ब्लेडर वाट और वेनस फ्लाइट्रैप जो है ये उदाहरण है इंसेक्टिवोरस प्लांट के, एंड कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट, और कस्क्यूटा जो होते हैं वो एक पैरासाइट है। द प्लांट सेल हैव एन यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल जो होते हैं उसमें यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट के बने हुए रहते हैं, और सेल वॉल जो होते हैं वो मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज, और सेल वॉल जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं मुख्यतः सेल्यूलोज से। यू विल स्टडी द यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। तुम लोग पढ़ोगे पूरे डिटेल में यूकेरियोटिक सेल के बारे में चैप्टर 8 में। प्लांट इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, पेटरिडोफाइट, जेनोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। प्लांट जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, पेटरिडोफाइट्स को, जेनोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज। लाइफ साइकिल जो होते हैं प्लांट में वो दो डिस्टिंक्ट फेजेस में होते हैं, द डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। डिप्लॉयड जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, और हैप्लॉयड जो होते हैं वो गैमेटोफाइटिक होते हैं। दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, जो कि अल्टरनेट हैं, जो कि एक दूसरे के समानांतर हैं। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दिस फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स। देखो ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेजेस के जो लेंथ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर प्लांट्स किंगडम में। दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसी फेनोमिनन को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यू विल स्टडी, तुम लोग पढ़ोगे फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। तुम लोग पढ़ोगे इस चैप्टर के इस किंगडम के बारे में डिटेल में चैप्टर 3 में। तो आज हम लोगों ने खत्म कर लिया किंगडम प्लांट तक। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में किंगडम एनिमलिया और अगले सेशन में हम लोग वायरस, वेराइट्स, प्रायोन्स और लीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे, गुड लक।